हेलो लर्नर्स दिस इज नेहा वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल इंडियाज लर्नर फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से चैप्टर थ्री दैट इज व्हाट इज गवर्नमेंट सरकार क्या है इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द समराइज स्टडी ऑफ द फुल चैप्टर इन वेरी इजी एक्सप्लेनेशन इन बोथ द लैंग्वेजेस सो प्लीज़ वॉच द वीडियो कंप्लीटली एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो

फॉर्म्स में है एंड लास्ट वी विल कम टू नो अबाउट वट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के या लोकतंत्र के क्या विशेषताएं हैं इन मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे आज की वीडियो में इन दिस चैप्टर लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इज गवर्नमेंट सरकार क्या है किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं देख चलेंगे डेफिनेशन की तरफ गवर्नमेंट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स एंड इम्प्लीमेंट्स वेरियस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट हेल्प इन रनिंग द कंट्री स्मूदली सरकार एक तरह से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है कि सभी रूल्स और रेगुलेशन को प्रिंसिपल्स को ना सिर्फ बनाता है बल्कि इम्प्लीमेंट भी किया जाता है इसके थ्रू जो कि किसी भी देश को स्मूदली रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही जरूरी है तो गवर्नमेंट क्या है इस तरह एक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल कम्पोनेंट है कंट्री के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं सिचुएशन को जो कि क्लास में विदाउट अ टीचर या स्कूल में विदाउट अ प्रिंसिपल हो सकती है तो लाइक वाइज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इंश्योर कॉरपोरेशन अमंग पीपल एंड टू मेक कलेक्टिव डिसीजन एंड टू गेट थिंग्स डन अ नीड ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज़ फेल्ड और इसी नीड को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिस लाइक गवर्नमेंट बनाया गया है गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स पॉलिटिकल डिसीजन टू रन अ कंट्री इट रेफर्स टू द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर हुबल फॉर कंट्रोलिंग अ कंट्री और अस्टेट तो इस तरह से गवर्नमेंट में कुछ लोगों का समूह होता है जो कि हमारे द्वारा चुने हुए लोग हैं दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग अ कंट्री ऑल्सो इट इज अ सिस्टम गवर्नमेंट इज अ सिस्टम बाई विच पीपल आर गवर्नड तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लेट्स नो अबाउट द नेक्स्ट वन दि दीज आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या काम करती है कौन कौन से फंक्शन से परफॉर्म करती है दीज मीन सिक्स आर गिविन हेयर द फर्स्ट वन लेट्स टॉक अबाउट मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इट इंश्योर्स लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री गवर्नमेंट क्या करते करती है हमारे डेली लाइफ में कई तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करती है कई काम करती है इनमें से जो फर्स्ट है हमारे लिए वह मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर यह कानून व्यवस्था को बनाए रखती है देश के अंदर समाज के अंदर इट मेक्स एंड इम्प्लीमेंट्स लॉ फॉर दिस परपज इसके लिए यह क्या करती है कि कानून बनाती है ताकि व्यवस्था कानून व्यवस्था बनी रहे न्याय व्यवस्था बनी रहे साथ ही झगड़ों और क्राइम के मामले में भी हस्तक्षेप करती है कोर्ट्स के थ्रू और कोर्ट्स इस तरह से क्या है गवर्नमेंट का एक एसेंशियल पार्ट भी है नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज किस तरह से ये हमारी बेसिक फैसिलिटीज को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इंश्योर की है पूरा करने में मदद करती है गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इट प्रोवाइड्स द बेसिक फैसिलिटीज सच एज एजुकेशन हेल्थ केयर ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिसिटी रोड ब्रिजेस स्कूल हॉस्पिटल ये सभी जो हमारी बेसिक अमेनिटीज हैं फैसिलिटीज़ हैं दीज आर प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट दीज आर प्रोवाइडेड सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड पोस्टल रेलवे सर्विसेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट यह सरकार की ही जिम्मेदारी होती है टू इंश्योर दैट ऑल सिटीजन हैव इनफू है फैसिलिटीज तो सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में इन सभी सुविधाओं मुहैया कराना यह सभी जिम्मेदारी सरकार की होती है नेक्स्ट देखेंगे द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज एक्शन ऑन सोशल इश्यूज़ यस इट टेक्स एक्शन ऑन मेनी सोशल इश्यूज़ इसे हम हिस्ट्री में भी हमने ऑब्जर्व किया है कि कैसे समय समय पर सरकार ने एक्शन लिया है कुछ सोशल इश्यूज़ को रिमूव करने के लिए सोसाइटी से एबोलिश करने के लिए फॉर एग्जांपल इट मेक सेवरल प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंट्स दैम टू हेल्प द पुअर सर गरीबों की या खासतौर से वमेन्स की मदद करने के लिए जैसे वेरियस लॉस टू तो प्रिवेंट फीमेल फॉइटिसाइड हैं और भी कई तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए सोशल इश्यूज़ को क्या करने के लिए एबोलिश करने के लिए समाज से समाप्त करने के लिए समय समय पर सरकार हस्तक्षेप भी करती है एक्शन लेती है नेक्स्ट देखेंगे प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज यस गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द एनिमी कंट्रीज किस तरह पड़ोसी दुश्मन देशों से हमारे राज्य की या देश की सीमा की सुरक्षा करना यह भी एक जिम्मेदारी है इट ऑल्सो मेंटेन्स पीसफुल रिलेशन्स विद अदर कंट्रीज साथ ही पड़ोसी देशों के साथ या बाकी देशों के साथ एक अच्छे और शांतिप्रिय माहौल बनाने की और अपनी रिलेशंस बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है नेक्स्ट देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट अंडरटेक्स रिलीफ मेजर्स यहाँ पर सरकार यह भी करती है ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर्स प्राकृतिक आपदाएं आने पर लाइक अर्थक्वेक सुनामीज फ्लड्स ड्राउट्स इन सिचुएशंस में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है सहायता को एंड एजिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल ऑल्सो द लास्ट वन दैट मेक्स लॉ फॉर एवरी सरकार का यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम है

लॉस बनाने में हेल्प करते हैं और यही लॉस जो हैं वो कंट्री को स्मूथली रन कराने में काफी हेल्पफुल होते हैं नेक्स्ट देखेंगे ऑफ गवर्नमेंट अब यहाँ पर सरकार जो है भारत की बात करें तो कितने स्तर पर सरकार है हमारे यहाँ इसके बारे में जान लेंगे सबसे पहले आता है हमारे लिए नेशनल लेवल हमारे यहाँ क्या है देर आर थ्री मेन टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ सबसे पहले आता है नेशनल लेवल देश यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार है हमारे पास वह कौन सी आ, फिर स्टेट लेवल भी है फिर इसके बाद लोकल लेवल तो तीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि सरकार तीन स्तर पर काम करती है सबसे पहला हो गया नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर पर फिर राज्य स्तर पर और साथ ही लोकल लेवल पर यानी स्थानीय स्तर पर नेशनल लेवल की बात करें फॉर अ कंट्री इंडिया वी हैव इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार है हमारे लिए द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड अ नेशनल गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट ये भी इसके कुछ अलग नाम है साथ ही स्टेट लेवल पर देखें राज्य स्तर पर जो सरकार है हमारे पास द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि आ, हमारे पास दह, यूपी गवर्नमेंट है या दिल्ली गवर्नमेंट है लाइकवाइज बिहार गवर्नमेंट है या एमपी गवर्नमेंट है तो हर राज्य की एक अपनी सरकार होती है दिस गवर्नमेंट डील्स विद द इश्यूज रिलेटेड टू द एंटायर स्टेट इस स्टेट लेवल पर जो सरकार होती हैं स्टेट गवर्नमेंट होती हैं इनके पास अधिकार होते हैं सिर्फ अपने राज्य की सीमा के अंदर एक्शंस लेने का ऑन द डिफरेंट इश्यूज स्थानीय स्तर पर जो सरकार है एट द लोकल लेवल ये क्या है गवर्नमेंट इन अलेज टाउन और लोकेलिटी खास तौर से इसे हम लोकल गवर्नमेंट कहेंगे इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई द लोकल पीपल अगर एग्जाम्पल देखें तो पंचायती सिस्टम है विलेज लेवल पर या जिला परिषद भी होते हैं साथ ही रूरल एरिया अर्बन एरियाज में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है म्यूनिसिपल कमिटीज हैं तो ये सारे जो है हमारे लोकल लेवल पर गवर्नमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं लेवल्स हैं जिनके थ्रू एक अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में मदद मिलती है तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंट लेवल्स पर जो हमारे पास गवर्नमेंट है इंडिया में लोकल लेवल स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर इनके फंक्शंस को इस एक्टिविटी के थ्रू डिटरमाइन करेंगे समझने की कोशिश करेंगे कि किस स्तर की सरकार किस तरह के काम को करती है फर्स्ट ले लेंगे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद रशिया तो यहाँ पर रशिया के साथ इंडिया की गवर्नमेंट के अच्छे रिलेशन पीसफुल रिलेशन मेंटेन करना अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और कंट्री लेवल पर जो डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है वेरी क्लियर नेक्स्ट देखेंगे द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन वेदर टू हैव बोर्ड एग्जाम्स इन क्लास एट फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल अब यहाँ बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल तो पहले ही क्लियर है यह किस लेवल की गवर्नमेंट का फंक्शन हो गया स्टेट लेवल बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर डिसीजन लिया जाना है जो कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट लेगी नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टू न्यू ट्रेन बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी यहाँ रेलवे जो है या ट्रेन स्टार्ट होनी है न्यू तो रेलवे से रिलेटेड डिसीजन किस लेवल की गवर्नमेंट लेती है वह लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट नेक्स्ट देखेंगे द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द विलेज गांव के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया पर कॉमन वेल well, यानी कि कुआं बनवाना है उसकी लोकेट लोकेशन तय करना ये किस लेवल की गवर्नमेंट का वर्क हो गया विलेज का नाम दिया है तो ये हो गया आपका लोकल लेवल की गवर्नमेंट नेक्स्ट देख लेंगे द डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ बिग चिल्ड्रंस पार्क इन पटना पटना जो कि कैपिटल सिटी है कहाँ की बिहार की अब पटना के अंदर एक बड़ा चिल्ड्रंस पार्क बनाया जाना है इसका डिसीजन किस लेवल की गवर्नमेंट लेगी तो यह लेगी स्टेट लेवल पर यह डिसीजन होगा स्टेट लेवल पर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल हुआ है यह डिसीजन किसका रहेगा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का हरियाणा इज state, तो यहां पर साफ पर आप देख सकते हैं और यह किसका फंक्शन हो गया स्टेट गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 रुपी नोट अब नोट इश्यू करना यह किस लेवल की गवर्नमेंट का फंक्शन हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट तो यहाँ पर हमने इसके फंक्शंस को अलग अलग कैटेगराइज करके अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट कर दिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट देख लेंगे हमारा नेक्स्ट बट बेसिकली वी हैव थ्री फॉर्म्स दीज आर डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप लेट्स नो अबाउट ईच ऑफ इन डिटेल डेमोक्रेसी लोकतंत्र यह है, क्या है जानेंगे इट इज अ गवर्नमेंट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पर क्या होता है सरकार किसके द्वारा फॉर्म की जाती है लोगों के द्वारा. लोगों पर, लोगों के के द्वारा पर लिए शासन जो है वह डेमोक्रेसी कहलाता है लोकतंत्र कहलाता है इसकी अच्छी बात यह है इट इज डायरेक्टली आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए लोग ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द फॉर्म ऑफ एम जो सरकार में हैं और है और वह डिसीजन्स लेते हैं लोगों के लिए और लॉज बनाते हैं इन्फोर्स करते हैं तो इस तरह से ये लोगों के प्रति बिल्कुल डायरेक्टली क्या है आंसरेबल है जवाबदेही इनकी बनती है जिम्मेदार हैं ये लोग तो जैसे कि कंट्री फॉर लाइक कंट्री इंडिया और अमेरिका यहाँ पर डेमोक्रेसी देखी गई है इज अ डेमोक्रेसिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेक्स्ट देखेंगे तो मुनारकी नेक्स्ट फॉर्म आता है आपका मुनारकी यहाँ पर क्या होता है इन दिस फॉर्म द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली इज द हेड ऑफ द नेशन राष्ट्र का देश का जो मुखिया होता है वह किसी रॉयल फैमिली का लीडर या हेड हो सकता है अब यहाँ पर जो मोनार्क है वो किंग या क्वीन होता है एंड दैट इज सक्सीडेड बाय हिज और हर क्लोज रिलेटिव मोस्टली द एल्डेस्ट सन जो है वो हेरिडिटरी नेचर में सक्सेजन में सक्सेसर बनाए जाते हैं यानी कि उत्तराधिकारी जो होते हैं वे आफ्टर दैट आफ्टर जो हैं लीडर बनते रहते हैं यानी कि हेड ऑफ द नेशन बनाए जाते हैं इन दिस सिस्टम द टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स यानी कि इस यहाँ की सरकार को इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है किसी भी देश में तो वहां पर जो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन है वह किसकी उसकी पावर होती है कुछ ही चुने हुए लोगों के हाथ में जो मिनिस्टर्स या एडवाइजर्स होते हैं मुनार्क के और इस तरह से ज्यादातर पावर किनके हाथ में होती है मुनार्क के खुद के हाथों में होती है तो इस तरह से जो कंट्री हैं लाइक सऊदी अरेबिया कतर है ब्रुनेई like है, है या इंग्लैंड कह लीजिए तो यहाँ पर इस तरह की मनारकी देखी गई है इस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा गया है नेक्स्ट देखेंगे तो डिक्टेटरशिप नेक्स्ट थर्ड आता है आपका डिक्टेटरशिप तो यहाँ पर जो तानाशाही है वह किस तरह की व्यवस्था है देख लेंगे देयर इज सिंगल रूलर विद एब्सोल्यूट पावर इस तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता यह है कि कोई एक सिंगल रूलर होता है जिसके हाथ में सारी पावर, पावर, पूरी सारी पावर जो अबाउट द गवर्नमेंट एंड इस मेथड फंक्शनिंग तो नागरिकों को जनता को कोई अधिकार नहीं होता उन्हें किसी तरह की पावर या राइट्स नहीं दिए जाते कि वे सरकार के किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकें आवाज उठा सकें इस तरह से देखें तो वर्ल्ड लेवल पर कंट्री लाइक इराक है नॉर्थ कोरिया है पाकिस्तान है यहाँ पर डिक्टेटरशिप देखी गई है और ये इस तरह से हमने तीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जान लिए हैं नेक्स्ट देखेंगे तो डेमोक्रेसी की बात हम करने वाले हैं क्योंकि इन आर कंट्री इंडिया वी हैव द डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेट्स नो अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र के कौन कौन से मेन विशेषताएं हैं फीचर्स हैं देखेंगे तो फर्स्ट वन इज द रूल बाय द पीपल रूल बाय द पीपल यहाँ पर होता ये है कि इस तरह के फॉर्म में डेमोक्रेसी में यह देखा गया है सबसे मेन फीचर है कि जनता का शासन होता है पूरी तरह से द बेसिक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज दट पीपल रूल देम सेल्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स यहाँ पर लोगों के द्वारा चुने हुए लोग ही आ, क्या करते हैं पार्लियामेंट में क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ पर फॉर मेकिंग ऑफ लॉज यह जानी जाती है तो लोगों के द्वारा चुने हुए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इन द फॉर्म ऑफ एम पी वह सभी लोग मिल करके देश के लिए कानून बनाते हैं इस तरह यहाँ पर कानून बनाने के लिए जो इनडायरेक्टली पावर है वह किसके हाथों में है जनता के हाथों में है तो यहाँ पर इस तरह से डेमोक्रेसी में क्या है दैट इज पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रूल्स और रूलर्स और लीडर्स एंड इनडायरेक्टली दे प्ले द रोल इन पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स लेट्स नो अबाउट द सेकेंड वन फीचर दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अब क्या है एट प्रेजेंट डेमोक्रेसी इज यूजली मीन एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अब हम आज के डेट पर डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का नाम देते हैं दिस इज बिकॉज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द गवर्नमेंट बट चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि हम Uh, हमारी जो सरकार है लोकतंत्र है इसके अंदर हम करते हैं गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं लोग लीडर्स हमारे वह हमारे द्वारा चुने हुए हमारे प्रतिनिधि होते हैं यानी कि जनता डायरेक्टली रूल नहीं कर रही है बल्कि अपने प्रतिनिधियों के थ्रू गवर्नमेंट के सभी फंक्शंस में उसका इनडायरेक्टली रोल है फर्दर दिस रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग टुगेदर तो मेक डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री तो वैसे ही एक नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आता है दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यह क्या है इट मीन दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिसे हिंदी में कहते हैं इसके तहत होता यह है ऑल एडल्ट सभी वयस्क जो कि 18 साल की उम्र से ऊपर के हैं वह देश के सभी नागरिक ऐसे उन लोगों को वोट करने का अधिकार है वन वोट का राइट दिया हुआ है संविधान के थ्रू भी दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है दैट नो गवर्नमेंट कैन क्लेम इट्सल्फ टू बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विदाउट अलाइंग ऑल अडल्ट टू वोट जब तक की कोई भी कंट्री है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वह डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी जब तक की वह अपने नागरिकों को वयस्कों को वोट करने का अधिकार नहीं देती है तो इस तरह से हमने देखा कि एक और इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है कि अगर हम देखें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को थोड़ा डिटेल में जाने तो यहाँ पर यहाँ बात हो रही है ऑल एडल्ट्स की बट ऐसा हमेशा से नहीं था अगर हम देखें इसके पहले हिस्ट्री में तो या अर्लीस्ट डेमोक्रेसीज में ऑफ द वर्ल्ड ओनली मैन हु हैड द सर्टेन लेवल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड एजुकेशनल वर अलाउड टू वोट बाय द गवर्नमेंट यहाँ पर सरकार बनाने के लिए यानी कि वोट करने का अधिकार सिर्फ कुछ ही चुनिंदा आदमियों के पास था सिर्फ मैंस के पास ऐसे पावर थी राइट टू वोट की वो भी जो कि ऐसे व्यक्ति जो कि सर्टन प्रॉपर्टी है प्रॉस्परस हैं या एजुकेटेड हैं सिर्फ उन लोगों के पास ये पावर हुआ करती थी पर लेटर ऑन वुमेन भी और पुअर अनएजुकेटेड पर्सन इन सभी को धीरे धीरे करके एक के बाद एक बहुत ही ज़्यादा एफर्ट के थ्रू और प्रोटे अलग अलग रेवोल्यूशन के थ्रू मूवमेंट्स के थ्रू इनको एक के बाद एक पावर्स दी गई और बहुत लेटर ऑन जो है वुमेन को भी यह राइट टू वोट अधिकार मिला इस तरह से डेमोक्रेसी के सभी फीचर्स जो हैं थ्री मेन फीचर्स वे हम समझ गए हैं नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसी तरह से सफरेज मूवमेंट है एंटी अपारथी डिस्ट्रगल हैं ये सब भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में चलाए गए थे फॉर हैविंग द राइट टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और द जेंडर तो इस तरह से यहाँ पर डेमोक्रेसी के गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स टाइप्स हमने सभी स्टडी कर लिए हैं सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द कम्प्लीट वीडियो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज थैंक यू सो मच